फायदे आप सभी, मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सीएससी से आप पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म अप्लाई किस तरीके से करेंगे और वहाँ पे क्या करना होगा और वहाँ पे किस तरीके से आप फर्स्ट ऑफ ऑल जब खोलेंगे तो उसको किस तरीके से आपको लॉग इन करना होगा, सीएससी में आप पीएम किसान सम्मान का किस तरीके से फॉर्म भरेंगे और सीएससी को किस तरीके से आप लॉग इन करेंगे किसान सम्मान निधि के फॉर्म में। वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए किसान सम्मान का फॉर्म भरने के लिए आपको लिखना होगा पीएम किसान सम्मान निधि और यहाँ ऊपर जो कॉर्नर में दिया है वहाँ पे सीएससी लॉगिन पे जाएंगे। सीएससी लॉगिन पे जाने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड शो कर रहा है इसको फिल करना होगा और यूजर आईडी और पासवर्ड सीएससी का आपको फिल करना होगा। ये साइन इन पे आप क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद ये कुछ इंटरफेस इस तरीके का खुलेगा जिसमें लिखा होगा पीएम किसान सम्मान निधि। अब यहाँ जो भी आप किसान का अगर फार्मर का कुछ नाम वगैरह एडिट करना चाहते हैं या फिर उसके आधार में कोई दिक्कत है या उसके आधार से कोई डिटेल सही नहीं मैच हो रही है तो यहाँ से ये सभी चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे और यहाँ पे कस्टमर का जो भी जिनका भी आप पीएम किसान सम्मान निधि के लिए ऑनलाइन करना चाहते हैं उनका आधार नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे ही आप यहां पे आधार नंबर फिल करेंगे तो ये बगल में आपके दिया गया है सेलेक्ट स्टेट। तो सबसे पहले हम आधार को फिल कर लेते हैं। आधार नंबर हमने डाल दिया, अब यहां से स्टेट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद यहां पे प्रोसीड या फिर आप नेक्स्ट करेंगे तो ये सबसे पहले आपके वैलेट से पैसे काटेगा। पैसे काटने के बाद क्योंकि ऐसा होता है ना, कुछ लोग फॉर्म भरते हैं वहीं पर छोड़ देते हैं और ये मतलब वहीं पे पेंडिंग में चला जाता है, तो इसलिए ये पेमेंट आप पहले ही ले रहा है। अब यहाँ पे देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, आपने पासवर्ड और ये पिन डाला और ये सक्सेसफुल हो गया। आप यहाँ पे कोई सा भी नंबर डाल सकते हैं, आधार से कनेक्ट हो या फिर ना हो उससे कोई मैटर नहीं है, ये बिल्कुल आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं। बस आप अपने आधार में मतलब आधार में जो भी नंबर रहे उससे कोई मतलब नहीं होगा। और यहाँ पे ओटीपी जाएगी, ओटीपी इस नंबर पे जाएगी जिस नंबर पे ये ओटीपी गई हुई है, ये 4 अंक की ओटीपी होती है, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी तक ओटीपी आई नहीं है। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ, अभी तक ओटीपी आई नहीं है। थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम है, ऐसा होता है ना कि जब सर्वर प्रॉब्लम रहती है तो आधार का जब भी सर्वर प्रॉब्लम रहेगा तो इसमें ओटीपी को थोड़ा सा डिले करते हैं सब। तो अभी भी ओटीपी नहीं आई है, ओटीपी का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखिए ओटीपी आ गई, हमने ओटीपी को फिल कर लिया, अब हमने नेक्स्ट कर लिया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा जो कि आपने फिंगर डिवाइस जो भी डिवाइस आपने लगाया होगा तो उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने मार्को डिवाइस लगाया हुआ है तो मार्को का मैंने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे देखिए कभी कभार प्रॉब्लम आपको ये होती है कि आपके जो आपका जो डिवाइस होता है उसमें लाइट नहीं चलती, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसके जो ड्राइवर है उसको आपको सही तरीके से आपको इंस्टॉल करना होगा। तो हमारे में ऐसा कोई मैटर नहीं है, हमारा बिल्कुल सब कुछ सही है। तो हम यहाँ पे यहाँ न क्लिक करके अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो अगर आप कोड प्लग पे लॉगिन किए हुए हैं तो वहां से भी आप स्कैन कर सकते हैं। चलिए मैंने स्कैन कर लिया है। स्कैन करने के बाद यहाँ पे नीचे जो सबमिट वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी डिटेल मांग रहा है वो डिटेल आपको अच्छे तरीके से फिल कर देनी है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मांग रहा है और यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे आपको ये जो आपका ब्लॉक है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो भी आपका विलेज है उस विलेज को आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे नाम वगैरह ऑटोमेटिकली ये फेच कर लेता है, जो कि आधार पे आपके जो भी नाम होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच कर लेगा। अब यहाँ पे देखिए आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, तो यहाँ पे जिस भी कस्टमर का आप भर रहे हैं उस कस्टमर से कैटेगरी पूछ लें या फिर आप खुद देख के ही समझ सकते हैं। और यहाँ पे फार्मर टाइप तो ये 2 हेक्टेयर से कम है और यहाँ पे मोबाइल नंबर जो आपने इससे पहले मोबाइल नंबर डाला हुआ था वही नंबर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे किसान रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी होती है जो कि आप खाता नंबर भी डाल सकते हैं या फिर आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई मैटर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे तो देखिए यहाँ पे आपका राशन कार्ड, अगर आप इनकेस अगर आपके राशन कार्ड में आपका नाम होता तो यहाँ पे राशन कार्ड नंबर ऑटोमेटिकली ये शो कर देता, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं शो कर रहा है।
अब यहाँ पे क्या मानधन योजना से आप लाभ लेते हैं या फिर आप उसमें पैसे वगैरह जमा करते हैं? तो नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको ऐड करना है, ऐड करने के बाद यहाँ पे किसान का खाता नंबर और ये खसरा संख्या डालना है। और यहाँ पे अगर देखिए, अगर आपका सिंगल खाता है तो सिंगल डालेंगे, अगर आपका ज्वाइंट खाता है तो ज्वाइंट डालेंगे। तो हमने ज्वाइंट पहले ही सेलेक्ट कर लिया है और ये सभी चीजें मैंने धीरे धीरे इसको फिल कर लेना है। कुछ चीजें आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, जो कि जिस पे स्टार नहीं लगा हुआ होगा उसको आप अच्छे तरीके से छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे जो भी आपके किस खेत का रजिस्ट्रेशन हुआ होगा वो कब का हुआ है तो वो चीज आपको डालना है, क्या ये 2019 से पहले का हुआ है या 2019 के बाद का हुआ है, और ये खेत आपको कैसे मिला था, वरासत के तौर पर मिला था या आपने लिखवाया था। तो ये सभी चीजें जो ऑप्शन होते हैं उसमें आपको सेलेक्ट कर लेना होता है। और यहाँ से आपको ये जो जो भी आपके किस जो भी आपका खेत है उसका जब रजिस्ट्रेशन आपने कराया था तो उसका रजिस्ट्रेशन डेट आप डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं कि एक खेत को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इस तरीके से जितने भी खेत होंगे आप इसको ऐड कर देंगे, जितने भी घाटा संख्या होंगे या फिर जितने भी खाता नंबर होंगे वो सभी के सभी आपने ऐड कर लेना है। नीचे ये दिया गया है कि अपलोड, मतलब यहाँ पे एक ऐसा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है जिसे वेरीफाई हो कि आप वही हैं। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई चूज फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको खेत का जो डॉक्यूमेंट है, खेत की जो नकल है, उसको आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है, जो कि आपको बिल्कुल पीडीएफ में अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं फटाफट से यहाँ से पीडीएफ में इसको अपलोड कर लेता हूँ। अब मैंने इसको अपलोड कर लिया है। अब यहाँ पे देखिएगा, सॉरी ये मैंने सेलेक्ट नहीं किया, फिर से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको अपलोड कर लिया, यहाँ पे मैं सेव ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब मैंने इसको सेव कर लिया है। अब सेव करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर किसान आईडी आ जाएगी। देखिए यहाँ पे जो मैंने अभी अपलोड किया था उसकी केबी अधिक थी, मैं इसकी केबी को अब घटा लिया हूँ। अब केबी को घटाने के बाद मैं फिर से इसे अपलोड करूंगा, ठीक है। अभी देखिए मैंने केवी को इसके घटाया है, मैंने इसको स्किप कर दिया है और यहाँ पे मैंने घटा के यहाँ पे फिर से मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे सीएससी यूपी करके जो भी आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आया हुआ है उसे आप नोट कर लेंगे। और मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जितने भी फॉर्म है आप इसको एक कॉपी अपने पास रखेंगे, एक कॉपी किसान को दे देंगे। यहाँ पे अगर वेरिफिकेशन होता है तो आपको ये कॉपी आपको दिखानी होगी, तो यहाँ से आप इसको ओके कर देंगे तो ये किसान का रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो इस तरीके से किसान का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जो कि पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आवेदन करेंगे, जो कि यही इसका बेस्ट तरीका होता है, जो कि सीएससी से ही आप इसको ऑनलाइन कर देते हैं, ठीक है। और कोई इसका तरीका नहीं होता है। अगर आप सेल्फ करते हैं तो वो भी तरीका मैं आपको बहुत जल्द इस चैनल पे लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।